जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी के बारे में आपने सुना होगा। ये देखा जाए थोड़ा सा अंडररेटेड फीचर है। जैसे बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, तो ये मैंने दो रीज़न से कहा है। इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी देखना चाहिए और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ये भी इन्फॉर्मेशन वाली है, मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सैमसंग नॉक्स को अभी पूरा एक्सप्लेन करने वाले हम लोग, लेकिन अगर इसको एक लाइन में कहना हो तो ये एक एडवांस लेवल का प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, जो क्या करता है आपकी प्राइवेसी को, इन्फॉर्मेशन को या डाटा को क्या करता है, सेव करता है एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी देके। और ये सैमसंग के फ़ोन हो गए, टैबलेट हो गया या फिर बहुत सारे वेरेबल डिवाइसेज आते हैं उनमें ये सब काम करता है। तो अगर हम लोग फ़ोन की बात करें तो अभी जितने फ़ोन आ रहे हैं लगभग सभी फ़ोन में यहाँ पर क्या है कि आपको सैमसंग नॉक्स की जो सिक्योरिटी है वो मिल जाती है। और कैसे पता लगाएं कि आपके फ़ोन में ये नॉक्स सिक्योरिटी है कि नहीं, तो जब आप कोई भी फ़ोन खरीदते हैं तो इस तरीके से आपको बॉक्स मिलता है, यहाँ पे काफ़ी सारे बॉक्स हैं, तो बॉक्स पे मेंशन होगा, उसके बाद आपके फ़ोन के सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में भी ये मेंशन किया जाता है। और कुछ फ़ोन ऐसे भी हैं सैमसंग के जिनमें ये सिक्योरिटी नहीं मिलती, जैसे एम सीरीज़ का M30s है, तो इस सीरीज़ में भी आपको नहीं मिलता आज की डेट में, आने वाले टाइम में मे बी ये चेंज हो जाए। और सैमसंग नॉक्स के बारे में आपकी दो कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। पहले तो ये कि क्या इसको बाद में इंस्टॉल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और क्या ये एकदम नॉर्मल सिक्योरिटी है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह आते हैं उस तरह नहीं, उनसे काफ़ी एडवांस लेवल का है, क्योंकि ये कोई सॉफ्टवेयर टेक्निक नहीं है। ये जब आपका फ़ोन मैन्युफैक्चर होता है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे आपको नॉक्स सिक्योरिटी दिया जाता है। तो यानी कि हार्डवेयर बेस्ड होता है, उसको क्या करता है सॉफ्टवेयर क्या करता है ऑपरेट करने में हेल्प करता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पहले से सर्टिफाइड होना चाहिए। अब ये काम कैसे करता है मेन सवाल। तो अगर आप एक फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसी को आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं जैसे आप और मैं करते हैं, एक उसी फ़ोन में जैसे आप बिजनेसमैन है या कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या कुछ पर्सनल काम करते हैं, तो उसी डिवाइस को एज अ प्राइवेट डिवाइस और यहाँ पे आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिक्योर करने के तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस फ़ोन में यहाँ पे नॉक्स सिक्योरिटी मिलती है उसमें आपको क्या मिल जाता है, सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिलता है। तो जब आप एक नया फ़ोन लेते हैं तो ये इनेबल नहीं होता, इसको इनेबल करना होगा आपको यहाँ पे अकाउंट वगैरह क्रिएट करके। इनेबल होने के बाद आपका एक सिक्योर फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अलग तरीके से आप अपना पिन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो भी आपकी सिक्योरिटी है फ़ोन में वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इससे प्राइवेट काम कैसे कर सकते हैं, जैसे ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको जब मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल जैसे आप लोग यूज़ करते हैं वैसे मैं यूज़ करता हूँ, तो यहाँ से इंस्टाग्राम आप क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। और आप सिक्योर फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशन होगी उसको आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने इंस्टाग्राम को ऐड कर दिया। तो ऐड होने के बाद ये एकदम न्यू इंस्टाग्राम है, मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप एक नया प्राइवेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं आप अपना इंस्टाग्राम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब वो वाला जो नॉर्मल इंस्टाग्राम है वो अलग अकाउंट पे काम करेगा, ये अलग। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं लाइव भी आता रहता हूँ, आपको ज्ञान थेरेपी नाम से आईडी मिल जाएगी। और क्या कर सकते हैं, जैसे आप बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन में कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी कोई प्राइवेट फ़ोटो के क्या कर सकते हैं गैलरी से उठा के यहाँ पर रख सकते हैं, चाहे मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद कोई वीडियो हो या फिर आप डायरेक्ट यहीं से कैमरा को एक्सेस करके कोई फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वो यहाँ सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई इंटरनेट का पेज एक्सेस कर सकते हैं, कोई पर्सनल आईडी इन्फॉर्मेशन हो या फिर वॉइस रिकॉर्डर वगैरह, मतलब आप कुछ भी यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन में ये फीचर होता है या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करके ये काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन दिक्कत है। पहली, अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वो थर्ड क्वालिटी की भी हो सकती है, पता नहीं आपकी इंफॉर्मेशन का क्या करेगी, और थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी ही होता है, आसानी से उसको एक्सेस किया जा सकता है। और बाकी जो एंड्रॉइड फोन में बहुत सारे यूआई मिलते हैं इसमें ये फीचर इनबिल्ट होता है ना, तो इसमें क्या होता है ये भी सॉफ्टवेयर ही होता है, बस यूआई में क्या कर दिया जाता है इनबिल्ट कर दिया जाता है। तो थर्ड पार्टी से तो सेफ है, लेकिन जैसा मैंने नॉक्स सिक्योरिटी के बारे में बताया कि फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही प्रोसेसर के साथ क्या कर दिया जाता है, एक तरीके से इनबिल्ट कर दिया जाता है, मतलब आपका फ़ोन उसके साथ हमने हार्डवेयर के साथ सिक्योरिटी देके सॉफ्टवेयर से मैनेज कर रहे हैं, तो ये कितना सही होगा आप सोच लो। तो इसकी सिक्योरिटी तोड़ना इतना आसान नहीं है, इसको तोड़ने में ना नानी याद आ जाएगी, मतलब इतना आसान नहीं है, बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ है। तो ये लाइन मैंने बाद में ऐड किया, अभी वापस चलते हैं। और भी बहुत सारे फायदे हैं कि आपका फ़ोन कोई चाहे ले जाके नॉर्मल अगर कंप्यूटर में कनेक्ट करके डाटा ट्रांसफ़र करना चाहे तो नहीं कर सकता। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, आप एंड्रॉयड फ़ोन में चाहे फेस अनलॉक लगाते हैं चाहे फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाते हैं, यानी कि ये आपका बायोमेट्रिक स्कैनर हुआ ना, तो जो सैमसंग के फ़ोन है ये क्या करता है सैमसंग नॉक्स के थ्रू इनको भी सिक्योरिटी देता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो आपका आईफोन होता है एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी देता है, उसी तरीके से जो सैमसंग नॉक्स है ये भी आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने में हेल्प करता है।
तो आपके मन में आ रहा होगा क्या इसको हैक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता, ऐसा नहीं है, आईफोन को भी किया जा सकता, बट ऐसे आसानी से नहीं किया जा सकता, ये मुश्किल हो जाएगा, तो आपको जो सेफ्टी है ना वो ज़्यादा मिल रही है, सीधा सा मतलब ये कह सकते हैं आप। आई होप आपको अभी सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी के बारे में पता लग गया होगा, ये कैसे काम करता है या फिर इसकी क्या वैल्यू है। बाकी अगर कोई सवाल हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और अगर आप नए हैं चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।